आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। भिवंडी नासिक हाईवे बाईपास पर पिछले दिनों एक नामालूम औरत की लाश बरामद हुई थी, जिसकी मालूमात तालुका पुलिस को दे दी गई थी और जाँच के लिए लाश को इंदिरा गांधी अस्पताल में रवाना कर दिया गया था। लेकिन पुलिस की तेज कारकर्दगी की वजह से कातिल पकड़ा गया और उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और वो कोई और नहीं, खुद उसका पति था। मिली जानकारी के मुताबिक मियां बीवी में आपसी तकरार की वजह से लड़की रमशा मोमिन उम्र 24 साल कई दिनों से, जो मंगल बाजार के स्लैब एकता होटल के पीछे रहा करती थी, कई दिनों से अपने ससुराल में ही या अपने मायके में ही रह रही थी और शादी के बाद वो अपने ससुराल बिलालनगर चली गई थी, मगर कुछ महीनों बाद ही वो मायके में वापस लौट आई क्योंकि लड़की हमला थी और कुछ आपसी तकरार भी इनके बारे में पता चल रहा है। इनकी आपसी तकरार की वजह हम उनकी माँ की ज़बानी ही आपको सुनाते हैं और ले चलते हैं रमशा मोमिन के मायके में, उसकी माँ के घर, जहाँ उन्होंने हमसे ये बताया। इसको जाते हुए बोली भी कि बेटा कुछ चाहिए पैसा सा दूँ तेरे को, तो बोले नहीं अम्मी मैं घर में ही रहूँगी, मेरे को कहीं जाना नहीं है। उसके बाद फिर ये मोतीपुर आने लगी है, मैं चली गई मम्मी के इधर, आई 9:15 बजे तो मैं पूछी इसके अबू से कि रमशा कहाँ गई, तो बोले रहमान का फ़ोन आया था, बोले फिर कोई लड़का आया था बुलाने के लिए तो वो गई रहमान से मिलने। मैंने कहाँ मिलने गई, बोले वो बोला कि तीन बत्ती पर रिक्शा लेके भाई खड़े हैं तुम आ जाओ भाभी, ये अपना चली गई बुरखा पहन के। अब वो जब ज़्यादा देर हो गई, 12 बज गया, वो नहीं आई, तो मैं मेरे दामाद की दुकान पर गई, मैं पूछी मैंने अहमद रहमान का या रमशा का किसी का फ़ोन आया था, बोले अम्मी मैं 9 बजे से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन लग रहा है कोई उठा नहीं रहा है। बोले अच्छा तुम घर जाओ मैं आता हूँ। वो 2:30 बजे आया, 2:30 बजे से लेकर लगभग फजर की अजान तक हम लोग 50 से 60 कॉल कर डाले, लेकिन कोई फ़ोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद फिर हम लोग नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैं सो गई, पानी का काम करने के बाद मैं इसको परेशान नहीं था, वो मुमरा लेके जाता है शॉपिंग के लिए, हो सकता है मुमरा लेके गया हो। अब वो 7 बजे के लगभग मुमरा से वो लोग रिटर्न हो ही जाते थे। अब 8 बज गया, 8:15 हो गया, तो मेरे से नहीं रहा गया ना, तो मैं इसको बोली मैंने सुन जी सब मैं जाती हूँ देखती हूँ शांतिनगर जाके उन लोग के घर पे। अब उन लोग के घर पे गई तो उसके अब्बू बैठे थे दरवाजे के पास मोबाइल लेकर, वो अपना पलंग पर सोया था, चप्पल देखी थी खाली उसकी जूती, उसका जूता था और ये उसके अब्बू की चप्पल थी, बाकी ने मेरी बेटी की चप्पल भी नहीं थी और वो खुद भी नहीं थी। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, घर आई तो मैं से कुछ पूछा नहीं कि कहाँ आई है, मैं अकेले थी ना, मैं घर आ गई, सुबह का टाइम था ना। नहीं नहीं, जब आप गए वहाँ पर शांतिनगर में तो आपने पूछा नहीं कि नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछी, मैं घर आई, घर आकर नवासी को नहलाई धुलाई, इसको बोली कि चल अपन जाएंगे रहमान के पास, रहमान घर में ये रमशा को कहाँ छोड़ा है या कहाँ रखा है बताए, क्योंकि ये लोग ना अलग घर लेने की कोशिश किए थे। तो मैंने चल तू पूछ, मेरे से कोई बात वो बताता नहीं, मेरे से बात करने मना करता है, अपनी अम्मी से बात नहीं करने का, अम्मी को फ़ोन नहीं करने का, सिर्फ उसको मेरे से तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। अब मेरी रमशा जो थी वो मेरे लिए लड़ती थी कि मेरी अम्मी से क्यों मना करता, मैं मेरी अम्मी से बात करूँगी। कितने साल हो गए शादी होके? अरे अभी अगले महीने में 8 तारीख 8 मई को तो 1 साल होगा, साल भी नहीं हुआ है उनकी शादी को। बताया जाता है कि प्रेग्नेंट भी थी वो? हाँ, 8 महीना प्रेग्नेंट ही वो, ईद के 1 हफ्ते बाद 15 दिन, लगभग अपन 15 दिन पकड़ के चलो। अच्छा, ये बताइए मुझे कि शादी के कितने महीने बाद इन लोगों में जो है वो चलने लगा, अनबन चलने लगी? शादी के कितने महीने बाद तो ध्यान में नहीं है मेरे, लेकिन सेकंड मंथ जब उसको स्टार्ट हुआ ना, तब उसके घर में थोड़ी अनबन हुई थी तो मुझे बुलाया गया था। मतलब इसको सालन बनाने नहीं आता,
तो मैंने सालन नहीं बनाने आता उसके लिए इतनी किसाई ने बता दो तुम तुम्हारा तरीका, हमारा तरीका अलग है। हम कभी सालन में टमाटर प्याज पीस के बनाते हैं या कभी अक्खी डालते हैं, खड़ी प्याज डालते हैं, तुम तुम्हारा तरीका बताओ। वो इस उस हिसाब से बनाएगी। मैंने मुझे मछली लगता है और वो मन की चटनी लगती है। मतलब भाई हम लोग ये सब चीज़ नहीं खाते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा एलर्जी होती है। मैं भी नहीं खाती, मेरी रमशा भी नहीं खाती, तो हम लोग को बनाने का भी ना कुछ आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा। बोली मैंने तुमको खाना है ना तो आप खड़े रह के मसाला बताओ, वो भूलेगी। तो चलो उस मामले की तरह तक है तो वो ख़त्म हो गया मामला, बताए वो कि ऐसा सा पका, वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद वो बोले कि मेरी अम्मी मेरे को लेने कौन आ रहा है। मैंने क्यों पापा क्या हो गया? बोले ना मेरे गले पे चाकू रखा था। तो मैंने तेरे गले पे चाकू रखा था? तो बोले हाँ अम्मी, बोले तेरे को तो ख़त्म कर डालूंगा। ये कब की बात है? ये उसको सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ था ना। अच्छा। हाँ मतलब सेकंड मंथ का वही 15-20 दिन गया था उसको, तब की बात है। मैंने अच्छा ठीक है मैं आऊँगी लेने के लिए कल। तो बोले नहीं कल नहीं, अब भी आ, मेरे को रहना ही नहीं है। बोले ना फिर मैं इसको भेजी, ये अपनी बेटी लेके गई, उसको लेकर आई, उसको लेकर आई। सो तो आँ के कपड़े से आई थी, कोई चीज़ लाई नहीं थी। और मेरे घर में लगभग मतलब सेकंड मंथ उसका स्टार्ट हुआ, उसके बाद से 7 कंप्लीट होने के बाद फिर वो गई थी। वो यही थी इतने महीने तो? हाँ मेरे पास थी। तो इतने महीने से उसके शौहर यहाँ कभी आए गए नहीं, पूछे भी नहीं? नहीं आता था, दवा खाने ले जाना है तो आए। उसको किसी से बात हो तो मेन तो वो आधार कार्ड उसका लेके रख लिया। बोले आधार कार्ड रहेगा तो तू कहीं भी जाएगी। अरे इसका मतलब क्या है? सारे मतलब जितने पेपर्स हैं सब, अब हम लोग इंदिरा गांधी के उसका नाम लिखाने के लिए 3 मंथ में वो लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड ला के दो। मैंने भाई हम लोग पास आधार कार्ड नहीं, उसके शौहर के पास है, बोले उसको बुलवाओ। फिर हम लोग उसको फ़ोन करके बुलवाए तो सिर्फ ऐसे आधार कार्ड दिया, वो लोग उसका जेरोक्स कॉपी निकाले और ऐसे लेके चला गया घर। और अभी भी मैयत होने के बाद भी आधार कार्ड उसके ही पास है। ये बताइए कि मुझे कोई जहेज का मामला तो नहीं था कि शादी से पहले कोई जहेज? नहीं, जहेज का कैसा मामला था, डिमांड थी वो लोग की शादी वाले दिन की, बनियान नहीं है, चड्डी नहीं है, तो टुआल नहीं है, तो सो मतलब पलंग नहीं है, ये डिमांड थी। तो मैंने जब तुम्हारे घर में एक दीवान है तो दूसरा दीवान या पलंग भेजने की ज़रूरत क्या है? तो बोले कि नहीं, बोले क्या दुल्हन दूल्हा, मैं बेशरम होके बोल रही हूँ, क्या दुल्हन दूल्हा बोले सुहागरात को रात में ज़मीन पर सोएंगे क्या? ये तरीका है उनका बोलने का। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि लोग अच्छे लोग नहीं है। लेकिन मैं बोली नहीं हो सकता है, इंसान को एक चाह रहती है कि भाई बेटे की शादी हुई तो पलंग कबाड़ शोकेस मिले। मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं उतना मेरे बच्चों को दूँ। रमशा को वहाँ पर तकलीफें क्या क्या थी? तकलीफ खाना बनाने का, सफाई के ऊपर से वो बॉम्बे से अपनी बेटियों को बुलवाता था। अच्छा। एक तो दुबई में रहते, वो बॉम्बे वाली को बुलवाता था कि देखो बोले ये सफाई करिए, ये इधर ये टांगी, इधर वो रखिए। बोले उसके अंदर सफाई नहीं है। अगर मेरी बेटी के अंदर सफाई नहीं रहती तो मेरे घर का काम करने के बाद वो 2 घर का काम और करती थी, तो उन लोगों को कैसे रमशा इतनी अच्छी लगी कि उसका काम पसंद आया उन लोगों को? इनको मेरी बेटी का काम नहीं पसंद आता है, बोले बहुत गंदगी से करती है, झाड़ू नहीं मारती है, घर की लादी नहीं पोछती, ये तो कोई बात नहीं हुई। और ये एक मेन वजह बताइए कि आज उसकी मौत की मेन वजह क्या है? मौत की मेन वजह तो हम लोग को कंफर्म नहीं है। मुझे इतना पता है कि 8:30 बजे के लगभग उसके शौहर का कॉल आया था और लड़का बुलाने आया, तो वो गई है और रिटर्न वापस आई नहीं है। कोई ऐसी बात जिसकी वजह से? हाँ, 4 दिन पहले ना, 4 दिन पहले ना उसकी बहन आई थी, दोनों बहन आए थे, भाई आए थे, तो उसे पूछा गया कि रमशा तुझे घर वापस आना है कि नहीं आना है। तो मेरी बेटी कोई जवाब नहीं थी, चुपचाप बैठी थी। दुबई वाली को जो बोलना था वो बोली, बोल बोल कर गई वो। तो बोले खाला मुझे एक दिन में जवाब दो, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो मैं उनको जवाब ही नहीं दी। अब तीसरे ही दिन मतलब वो लोग, ये संडे को काम हुआ, वो लोग जुमेरात के दिन आए थे और संडे के दिन ये बुला लिया। उसके सामने हम लोगों के सामने रहमान को गाली गलौज दिया गया, भाई मारने उठा, मारने उठा तो मैं ही रोकी थी, भाई ऐसे किसी को मारने का नहीं, रहने दो। पूछते हैं उससे भाई कि मेरे से क्या तकलीफ़ है? उसके अब्बू बोले गाली दे के, मेरे क्या भी बोले तेरे को उसकी अम्मी से क्या तकलीफ़ है, क्यों फ़ोन करने नहीं देता, ये क्यों बात करने नहीं देता? बोले नहीं वो अपनी अम्मी के घर जाती बिगड़ जाती है। अच्छा। फिर मेरे से बात नहीं करती, मेरे को कुछ टेढ़ी तबाड़ी बोलती है। अम्मी बोले अपने आदमी को टेढ़ी बोलते हैं ना, तो वो मेरे को बोलती है टेढ़ी। अभी आप क्या चाहती है, पुलिस से क्या बोलना चाहेंगे हम लोग को, आवाम से क्या बोलना चाहिए? क्या बस जान के बदले जान, इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी इतनी मासूम बेजुबान, तूने इतनी बेरहमी से मारा कि पत्थर से पहले मुँह फोड़ा,
तबीयत का मुंह पड़ा, उसका गला दबाया दो दो दोस्तों के साथ। वो दो दोस्त तेरे किधर हैं, खाली हम लोग के हाथ में दो जी। अब ये बताइए कि वो जो लड़का था वो आपके पास रिश्ता लेके आया था या लड़की वाले लाए थे, किस तरीके का मामला था? नहीं नहीं, लोग रिश्ता नहीं लाए थे, मैं लेके आई थी रिश्ता। लड़के वाले लोग को रिश्ता मैं लेके आई। तो क्या लड़का पहले से ही ऐसा था कुछ? नहीं कुछ नहीं, अच्छा था लड़का। और फिर उसके बाद जब इन लोग की मचमच हुई ना कि 11,000 दो कोट पैंट का, तो मैंने भाभी को मना करा कि भाभी मत करो, नीच लोग है, बहुत खराब लोग है। तो थोड़ा सी अनबन में हो गई थी, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ गई, हो गई शादी। शादी हो गई, अपन दावत खा लिए, वहाँ से अपना ख़त्म हो गया काम। और कुछ हुआ गया मेरी भाभी मेरे को नहीं बताए, बस अभी कल मेरे को शामा बताई कि देख आपा ऐसा ऐसा हो गया, रमसा को ना मार डाले, उसका खून कर दिए। तो फिर मैं आई, और है ना इंसाफ चाहिए। बच्ची की दो जान ली है वो, एक पेट में बच्चा था उसका भी जान ले लिया और औरत का भी जान ले लिया, तो जान के बदले जान चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोग को। देखो मैं तो आपको ये बोलता हूँ भाई, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हमको लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं कुछ नहीं, जो ये लोग किए इंसाफ होता है वो इंसाफ दी। हमको पुलिस से दिलाइए, जो भी होता है जैसे भी होता है हमको इंसाफ दो, बस। और